मैं जी सनी सत श्रीकाल जी डुगू का दोस्त हूँ। है कितने वो के रख देना है मैंने उसे, कटने की लोड़ ही नहीं पहनी जी। आज सुबह ना जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो छोरियां आई और उन्होंने उसके हाथ काट दिए। नहीं जी नहीं, गलतफहमी हुई आपको पुत्र, डुगू नहीं कोई और होगा, हमारा डुगू को जाएगा जी मस्जिद में। मजहब बदलने गया था जी, प्यार हो गया ना उसे जीनत से। जीनत कौन है? जीनत कौन है? उसके ब्यूटी पार्लर में आती थी जी अपने नाखून साफ करवाने के लिए। बस जी जीनत की बहनों को पता लग गया, उन्होंने देख लिया और उसके हाथ काट दिए। हाँ, कुड़ियों से हाथ कटा लिए। हाँ जी, डुगु है किधर? अस्पताल में है जी। बताओ जी, तू बता बबीता का घर किधर है? चलो सरदार जी चले, मेरे पुत्र की चलो चलो उस जीनत के घर। पाजी आजकल माहौल ठीक नहीं है जी, बहुत गर्म है। पहले अपने डुगु का ध्यान रख लीजिए, उसको मिलेंगे ना तो उसके मैट्रिक के एग्जाम की बात नहीं करिएगा। हाँ बिल्कुल, अरे जब हाथ ही नहीं बचे तो एग्जाम की क्या बात करेंगे। उसकी पढ़ाई के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके लगाया, इतना कर्जा लिया, उसको विलायत भेजने था पढ़ने के लिए। अब क्या होगा, हमारी तो जिंदगी बदल गई। ओए मेरी कृपान लेके आ, लेके आ। जिसने हाथ काटे ना मेरे डुगू के, मैं गर्दन काटूंगी उनकी। चलो सरदार जी, घबराते काहे को, चलो चलो चल तू आगे लग, चल जीनत के घर लेके जा हमको। हाँ, हाथ काट दिए मेरे बेटे के।